हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों स्वागत है। लगातार ये बातें चल रही है, पाकिस्तान की तरफ से उनके फैंस भी ये कह रहे हैं कि जो मोहम्मद नवाज ने गेंद फेंकी थी वो नो बॉल नहीं थी। दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि जिस नो बॉल पे, जिस फ्री हिट पे विराट कोहली ने दौड़ के 3 रन लिए थे आउट होने के बाद भी वहां पे बेईमानी हुई है, विराट कोहली की दबाव में अंपायर ने ये फैसला दिया वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें रही है। लेकिन नो बॉल विवाद पे आपके पाकिस्तान के जो शायद पीटीवी स्पोर्ट्स के जो हेड है, शायद नौमान नियाज नाम है उनका, उन्होंने ट्वीट करते हुए बहुत अच्छी बात कही है। और जो लोग नियम के खिलाफ इसे बता रहे हैं वो भी मैं आपको एक बार नियम पढ़ा देता हूं, उन्होंने क्या ट्वीट किया है और क्या असली इसका मतलब है। इन्होंने लिखा है कि इफ अ बैट्समैन इज कॉट ऑन अ फ्री हिट ही कैन रन एंड द स्कोर विल बी एडेड टू हिज टोटल। इन्होंने कहा है कि अगर फ्री हिट पे कोई बल्लेबाज आउट हो जाता है तो वो दौड़ के रन ले सकता है और उनका रन जो है वो बैट्समैन के खाते में जुड़ेगा। अगली लाइन ये कहते हैं, इफ ही इज बोल्ड विद एन एज देन ही कैन टेक रन्स। इन्होंने कहा है कि अगर वो आउट हो जाते हैं और वहां पे एज लगते हैं, मतलब प्लेट ऑन होते हैं, एज लग के आउट होते हैं, तो भी वो रन्स ले लेते हैं तो वो भी उनके ही खाते में जोड़ा जाएगा। इसके बाद फिर और बोलते हैं कि बट इफ ही गेट्स आउट बोल्ड विदाउट एन एज, यानी कि बल्ले में लगे गेंद लगे बगैर वो सीधा क्लीन बोल्ड होते हैं, ही कैन रन, वो दौड़ सकते हैं, बट द रन्स विल गो इनटू एक्स्ट्रा, यानी कि वो बाई में रन जुड़ेंगे। विराट कोहली ने भी तो वही किया, वो आउट हुए, बोल्ड हुए, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, लेकिन उन्होंने दौड़कर 3 रन लिए तो सीधा वो बाई में जुड़ा। कहां से चीटिंग हो गई भाई, मुझे अब बताओ। मैंने तो रूल्स बता दिए, ये आपके पाकिस्तान के ही नौमान नियाज ने ये बात कही है। अब मुझे बताएं कि कौन सा भारत ने बेईमानी कर ली या पाकिस्तान को ये हो गया। देखिए, हार को आप लोग एक्सेप्ट करिए और एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए और अपनी जो मिस्टेक्स किए आज के मुकाबले में वो ना करें, उनसे सीखे और अगले मुकाबले में उसे अप्लाई करें। थैंक यू, धन्यवाद।